वेलकम बैक व्यूअर्स, दिस इज एके चौधरी एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस बिलोल। एंड एज यू नो दैट वी शैल डिस्कस टुडे फ्रॉम द पैराग्राफ 12, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द पैराग्राफ 12। यस बेंजी सेड एंड ही टूक द पासबुक। हाँ बेंजी ने कहा और उसने ले लिया किस चीज को, पासबुक को। ही ओपेंड इट, उसने खोला उसे, मतलब पासबुक को खोला। एंड लुक्ड एट इट, और उसे देखा। And saw in it, और उसमें देखा an amount of more than 230 pounds, जो पासबुक दिया लेकर के बेंजी के माता पिता ने, मतलब जॉनसन ने जो दिया पासबुक लेकर के, उसमें कितने पाउंड थे, तो 230 pounds। ये अमाउंट आप याद रखेंगे, मतलब जो जॉनसन ने दिया बेंजी को लेकर जब पासबुक, तो उसमें इतने पाउंड थे, आप इसे याद रखेंगे। Then he set up the passbook, मतलब अमाउंट को देख लिया और पासबुक को बंद कर दिया। And put it into his pocket, और उसे अपने जेब में रख लिया। मतलब जो पासबुक लेकर के दिया जॉनसन ने बेंजी को, तो बेंजी ने ओनली क्या देखा उस पर, अपना अमाउंट देखा कि कितना अमाउंट है, और अमाउंट देखने के बाद क्या किया, पासबुक को बंद करके अपने जेब में रख लिया। बेंजीज मदर एंड फादर डिड नॉट स्पीक, बेंजी के माता और पिता नहीं बोले। A strange tremor of a peculiar emotion went through them both. एक जो अजीब जो है ना tremor, कंपन जिसे बोल सकते हैं, tremor of a peculiar emotion, एक विचित्र जो भावना का होता है, went through them both, उन दोनों से होकर गुजरा, मतलब बेंजी के माता पिता दोनों से होकर गुजरा। क्योंकि उसने क्या करा, कुछ बोला नहीं, केवल बेंजी ने क्या करा था, पासबुक को खोल के देखा अमाउंट को और जेब में रख लिया पासबुक को। तो ये बात थोड़ा सा उन लोगों को ट्रिमर कर दिया। अ मिक्सचर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, समझिए कि एक मिश्रण जो होता है निराशा का, फियर डर का, प्राइड गर्व का, एंड पेन, ये सारा का सारा दर्द, पेन का मतलब होता है दर्द, ये सारा का सारा मिक्सचर समझिए कि दोनों से होकर के गुजर गया, मतलब बेंजी के माता पिता से। द अमाउंट इन बेंजीज पासबुक वॉज मोर देन दे देमसेल्व्स हैड एवर अमास्ड फ्रॉम द अर्थ इन देयर लाइव्स, मतलब बेंजी के पासबुक में जो अमाउंट थी ना, वो इतना था कि उनके माता पिता वे लोग खुद, मतलब जॉनसन्स खुद कभी भी अमाउंट नहीं किए थे, कलेक्टेड नहीं किए थे इतने अमाउंट्स को, कहां से, तो दी अर्थ मतलब भूमि से, इन देयर लाइफ्स अपने जीवन भर में, मतलब उससे ज्यादा अमाउंट था कहां पर, तो बेंजी के पासबुक में। दे डिड नॉट होप एंड डिड नॉट मीन दैट बेंजी शुड गिव इट बैक टू देम, They did not hope, वे लोग आशा नहीं किए, and did not mean, और ऐसा मतलब भी नहीं था उन लोगों का, that Benji should give it back to them, कि Benji क्या करना चाहिए, Benji को फिर से उन लोगों को वापस कर देना चाहिए, ऐसा उन लोगों का मतलब नहीं था। किसका मतलब नहीं था, Benji के माता पिता का ऐसा मतलब नहीं था कि Benji फिर से उन्हें क्या करता, पासबुक को वापस कर देता। But there was something, लेकिन कुछ तो था, about the silent, simple finality of his putting the passbook into his pocket. लेकिन ये जो अपने पॉकेट में जो रख लिया था पासबुक को, तो ये जो चुप्पी साथ दिए थे कौन, माता पिता, इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ तो वजह थी। That struck them like a blow in the face, जो क्या किया इन लोगों के फेस पर, मतलब बेंजी के माता पिता के फेस पर एक प्रकार का झटका सा लगा। स्ट्राइक का ही सेकेंड फॉर्म क्या होता है, स्ट्रक होता है, झटका सा लगा, ब्लो का मतलब होता है झटका, उन लोगों के चेहरे में। दे हैड एक्सपेक्टेड समथिंग एल्स, समथिंग एल्स कुछ और, समथिंग एल्स का मतलब होता है कुछ और, तो दे हैड एक्सपेक्टेड, वे लोग आशा किए थे समथिंग एल्स कुछ और, अ वर्ड ऑफ थैंक्स, एक शब्द कम से कम बोल देता थैंक्स का, परहैप्स शायद, अ कंसेशन कुछ रियायत देता, अ विलिंगनेस एक इच्छा थी दैट दे शुड शेयर द मनी दे हैड हेल्प टू सेव, मतलब ऐसा विलिंगनेस था कि कम से कम ऐसा भी तो बोलना चाहिए कि उन लोगों का भी हिस्सा होना चाहिए, शेयर होना चाहिए मनी में, क्योंकि दे हैड हेल्प टू सेव, क्योंकि वे लोग मदद किए थे बचाने में, सेविंग करने में मनी को। इट हर्ट देम मोमेंटरली, यह चोट पहुंचाया, ये जो बात किया कि बेंजी ने डायरेक्ट क्या किया, पासबुक को देखा खोल के और अपने जेब में रख लिया, ये बातें क्या किया, चोट पहुंचाया देन उन लोगों को, मतलब माता पिता को, मोमेंटरली क्षणिक, दैट बेंजी शुड अपीयर सो कंप्लीटली इनडिफरेंट, बेंजी जो ये पूरी तरह से इनडिफरेंट दिखे, मतलब सामान्य दिखे उन लोगों के लिए, ये बातें उन लोगों को चोट पहुंचाया। एंड टू ऑल दे फेल्ट, और ये सारी चीजें जो वे लोग महसूस किए, देन दे
रिमेंबर्ड, तब उन लोगों को याद आया व्हाई इट वाज, ऐसा हुआ क्यों। इट वाज बिकॉज बेंजी वाज स्टिल सिंपल, ऐसा इसीलिए हुआ। इट वाज बिकॉज, क्योंकि बेंजी वाज स्टिल सिंपल, बेंजी अभी भी क्या था, सिंपल था। मतलब बेंजी हमेशा से क्या रहा है, सिंपल हार्टेड रहा है, सिंपल माइंडेड रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि बेंजी अभी भी क्या था, सिंपल था। देयर वर सेट्स ऑफ फीलिंग्स, सेट्स ऑफ फीलिंग्स एंड कंडक्ट, मतलब ये जो फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, और जो ये जो आचरण की बात होती है, कंडक्ट की बात होती है, आचरण, दैट वर बियॉन्ड हिज अंडरस्टैंडिंग, ये तो उनकी समझ की बाहर की चीज है। मतलब ये जो फीलिंग्स की बात करें या फिर आचरण की बात करें, ये तो इनके समझ के क्या है, परे है, इनके समझ से बाहर है, क्योंकि ये सिंपल माइंडेड है, सिंपल हार्टेड है। कौन, बेंजी। दे वर टच्ड विद पिटी फॉर हिम एंड अंडरस्टूड, वे लोग बिल्कुल करुणा से भरे हुए टच किए उसे, फॉर हिम मतलब बेंजी के लिए, एंड अंडरस्टूड, और समझ गए इस बात को, अरे बेंजी तो सिंपल माइंडेड है, सिंपल हार्टेड है। अगर उन्होंने थैंक्स तक नहीं बोला, या फिर इस बात को नहीं बोला कि आप लोगों ने क्या किए हैं, इस मनी को सेव करने में मेरा इतना ज्यादा मदद किए हैं, तो इसमें आप लोगों का भी हिस्सा होना चाहिए। यदि इस तरह की बात नहीं भी बोला बेंजी, तो जरूर ही इसका एक ही मतलब है कि बेंजी अभी भी क्या था, सिंपल था। पैराग्राफ 14, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद द मनी, दे सेड। जैसे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ते हैं तो होता है ना, रिपोर्टेड रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच को पहले रख दिया और रिपोर्टिंग वर्ब को बाद में। आप इसका इनडायरेक्ट नरेशन भी बना सकते हैं ग्रामर के लिए। उन लोगों ने कहा, मतलब माता पिता ने कहा, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने जा रहे हो विद द मनी, मनी से, पैसों से तुम क्या करने जा रहे हो। आई एम गोइंग टू बाय अ पीस ऑफ लैंड, बेंजी सेड, आई एम गोइंग टू बाय, मैं खरीदने जा रहा हूं अ पीस ऑफ लैंड, धरती का टुकड़ा, मतलब जमीन खरीदने जा रहा हूं, बेंजी सेड, बेंजी ने कहा। लैंड्स, जमीन, दे सेड, उन लोगों ने कहा, मतलब माता पिता ने कहा। व्हाट लैंड, कौन सी जमीन, वेयर, कहां। मिस्टर व्हिटमोर वांट्स टू सेल द 4 एकर नेक्स्ट टू अस, ये जो मिस्टर व्हिटमोर है ना, वो चाहते हैं बेचना द 4 एकर्स, 4 एकर्स नेक्स्ट टू अस, हम लोगों के बाद वाले, नेक्स्ट को क्या बोलते हैं, बाद वाले, बाद वाला जो जमीन है, हम लोगों के बाद वाला जो जमीन है, उसे मिस्टर व्हिटमोर बेचना चाहते हैं, और वही खरीदने जा रहा है कौन, बेंजी, बेंजी सेड, बेंजी ने कहा। बट बेंजी, दे सेड, लेकिन बेंजी, उन लोगों ने कहा, मतलब जॉनसन ने कहा, हाउ डिड यू नो, तुम्हें कैसे पता, हाउ डिड यू फाइंड आउट, तुम्हें कैसे पता चला। बेंजी हैड अ वेरी सिंपल आंसर, बेंजी का आंसर बहुत ही सिंपल था, साधारण था। आई आस्क मिस्टर व्हिटमोर, ही सेड, मतलब बेंजी ने कहा, उसने कहा, मतलब बेंजी ने कहा कि मैंने पूछा किस से, मिस्टर व्हिटमोर से, वो जो आदमी जो जमीन बेच रहा है उसी से बेंजी ने पूछा था। पार्ट ऑफ 21 है, वेल दे सेड, अरे अच्छी बात है, दे सेड, उन लोगों ने कहा, मतलब माता पिता ने कहा, दैट इज अ वेरी गुड आइडिया, अरे वो तो बहुत ही अच्छा विचार है, अ वंडरफुल गुड आइडिया, एक अद्भुत अच्छा विचार, यू कुडंट Do anything better, तुम नहीं कर सकते हो इससे और कुछ बेहतर, मतलब ये जो जमीन खरीदने जा रहे हो ना, इससे बेहतर तुम कुछ और कर भी नहीं सकते हो, बहुत अच्छी बात है। As time went on, जैसे समय बीता गया, and Benji acquired the land, और बेंजी ने प्राप्त कर लिया किसको, जमीन को, his father and mother not only felt that it was a good idea, उनके माता पिता केवल यही महसूस नहीं किए, felt मतलब महसूस किए, that it was a good idea, ये एक अच्छा विचार था, but they felt very proud of him, बल्कि वे लोग महसूस किए, बहुत ही गर्व महसूस किए, किस पर, of him, उस पर मतलब बेंजी पर, they had that kind of pride, उन लोग का ऐसा गर्व महसूस किए उस पर, he in him, उस पर मतलब बेंजी पर, that parents have in a child that says its first word or takes its first step, जैसे कोई बच्चा लेता है ना, that says its first word, जब कोई बच्चा कहता है पहला शब्द, जैसे बच्चा कोई जन्म लिया और साल भर के बाद या 1.5 साल के बाद जैसे वो पहला कोई वर्ड बोलता है, तो माता पिता को जितनी खुशी मिलती हो, उतना ज्यादा खुश था कौन, जॉनसन, मतलब बेंजी के माता पिता। वो टेक्स इट्स फर्स्ट स्टेप, या फिर कोई बच्चा जब अपना पहला कदम उठाता है, जो माता पिता को जितना ज्यादा खुशी मिले, उतना ही ज्यादा खुश थे कौन, बेंजी के माता पिता। बेंजी अ सिंपल माइंडेड मैन, बेंजी एक साधारण दिमाग का आदमी था, had taken his first step in normal adult things, ये पहला कदम उठाया normal सामान्य होकर adult things, जो बड़ी चीजें होती हैं, it was wonderful,
टू, यह अद्भुत बहुत ज्यादा अद्भुत बातें थी दैट ही हैड टेकन द स्टेप विदाउट हेल्प विदाउट फोर्स और प्रॉम्प्टिंग। ये जो कदम उठाया था ना बेंजी, ये विदाउट हेल्प, बिना किसी मदद के, विदाउट फोर्स, बिना किसी दबाव के और प्रॉम्प्टिंग, बिना किसी बढ़ावा के इन्होंने अपना ये स्टेप उठाया था, ये अपना कदम उठाया था। All his life they had treated him as a child that will not grow up and now suddenly he had grown up। एक ऐसा बच्चा समझा था जॉनसन ने बेंजी को, जो अभी तक ग्रो अप नहीं किया था, विकास नहीं किया था, सडनली अचानक ही उसका क्या हुआ, विकास कर गया वो। दो दे कुड स्कार्सली रियलाइज इट, हालांकि वे लोग इस बात को बहुत ही स्कार्सली महसूस किए, रियलाइज किए। बेंजी वाज अ मैन ऑफ प्रॉपर्टी, बेंजी आदमी था कैसा, प्रॉपर्टी वाला आदमी था, संपत्ति वाला आदमी था। पारा 23 है, फॉर द नेक्स्ट 4 और 5 ईयर्स, अगले 4 या 5 वर्षों के लिए बेंजी बेंच ऑन क्रिएटिंग मोर हाउसेस फॉर मोर हेंस। बेंजी शुरू कर दिए थे निर्माण करना मोर हाउसेस, ज्यादा घरों को, फॉर मोर हेंस, ज्यादा मुर्गियों के लिए। एंड देन सेलिंग मोर एग्स, और ज्यादा से ज्यादा ये अंडे बेचना शुरू कर दिए थे। एंड मेकिंग मोर मनी, और बनाना शुरू कर दिया ज्यादा मनी, ज्यादा पैसा। ही वॉज स्टिल अ सिंपल मैन, वो अभी भी क्या था, सिंपल आदमी था, मतलब साधारण आदमी था। ही कुड नॉट हैव मेड अ पेयर ऑफ बूट्स, ही कुड नॉट हैव मेड, वो नहीं बना सकता था अ पेयर ऑफ बूट्स, जूते का एक पेयर। ही न्यू नथिंग, वो कुछ नहीं जानता था अबाउट द स्टॉक मार्केट्स, स्टॉक मार्केट्स के बारे में बेंजी कुछ नहीं जानता था, इस बात को आप याद रखेंगे। बट ही न्यू, लेकिन वो जानता था एवरीथिंग, सब कुछ अबाउट अ हेन, किसी मुर्गी के बारे में। हिज हेंस वर स्टिल टू हिम व्हाट द अर्थ वाज टू हिज पेरेंट्स, ऑल ही हैड एंड ऑल ही अंडरस्टूड। अभी भी मुर्गी, हिज हेंस वर स्टिल टू हिम, अभी भी उसका मुर्गी उतने ही मायने उसके रखता था, व्हाट द अर्थ वाज टू हिज पेरेंट्स, जितने मायने उसके माता पिता के लिए जमीन रखता था। ऑल ही हैड, जो भी उसके पास था, एंड ऑल ही अंडरस्टूड, और जो भी वो समझता था। There was only one difference between Benji's hens and his parents' land. केवल एक ही अंतर था किसके बीच में, बेंजी के hens में, मतलब बेंजी के मुर्गियों में और उसके पिताजी के जमीन में। क्या वो अंतर था? The hens belongs to Benji. ये मुर्गी था ना, वो belong करता था, वो किसका था? बेंजी का था। The land had never belonged to his parents. लेकिन जमीन कभी भी किसका था? उनके माता पिता का नहीं था। Who had rented it now for 40 years? जो उनके माता पिता थे, मतलब जॉनसन थे, वो 40 वर्षों से जमीन को रेंट पर लिया था। कैसे? ऑन अ ईयरली टेनेंसी, मतलब वर्ष में एक ही बार उसका वे लोग मनी दे देता था, लेकर पैसा दे देता था और जमीन को रेंट पर लेकर के रखा हुआ था। फ्रॉम अ मैन नेम्ड सैंडर्स, एक ऐसा आदमी जिसका नाम क्या था, सैंडर्स। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे, जॉनसन जिस आदमी से जमीन को रेंट पर लेके रखा था ईयरली टेनेंसी पर, उस आदमी का नाम क्या था, सैंडर्स नाम। They had often spoken of buying the land. वे लोग अक्सर spoken बोल चुके थे of buying the land, जमीन को खरीदने के बारे में। कौन बोल चुके थे? मतलब बेंजी के माता पिता जॉनसन्स। But somehow the scheme never came to anything. लेकिन somehow किसी ना किसी तरह ये जो स्कीम था जमीन खरीदने वाला, वो कभी भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा। It was easier for Benji's father to stand at the door. Benji के पिताजी के लिए क्या था? To stand at the door, मतलब आसान था किसी door पर खड़े हो जाना and talk, और बात करना, or to talk in the pulpit, या फिर किसी मंच पर जाकर के बात करना, and trust in God, और ईश्वर में विश्वास करना, than to make a business proposition. मतलब कोई व्यवसाय का प्रोपोजिशन करे, प्रस्ताव करे, ये नहीं बनाता था, उसकी तुलना में ईश्वर में ज्यादा विश्वास रखता था। एंड नाउ, और अब एट 65, अब ये कितने साल के होंगे, 65 साल के होंगे, कौन, बेंजी के माता पिता। दे वर टू ओल्ड टू थिंक ऑफ बाइंग लैंड, यहाँ पे एन छूट गया, एन लगा देंगे, LAND। They were too old. वे लोग बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो गए थे। ये T-002 है ना, मतलब हद से ज्यादा बूढ़े हो गए थे। Think, सोचने के लिए, of buying land, मतलब अब सोच भी नहीं सकता था जमीन खरीदने के बारे में ये लोग, इतने ज्यादा बूढ़े हो गए थे। Even if there had been any money for buying land, और यहां तक कि उसके पास एनी मनी, पैसा भी नहीं था फॉर बाइंग लैंड, जमीन को खरीदने के लिए।
25 एंड सडनली और अचानक द लैंड वाज फॉर सेल, जमीन बिकने को था। देयर लैंड, उन लोगों का जमीन जो उन लोगों के पास 4 acre का जमीन था जो पहले से रेंट पर लेकर के रखा हुआ था। देयर आर दोनों लोग की भूमि विच वॉज ऑल दे हैड, अरे वो जमीन जो 4 acre का था उन लोगों के लिए वही जमीन सब कुछ था और वो भी अब क्या था, सडनली बिकने को था। द टाउन वॉज स्प्रेडिंग, शहर जो था ना टाउन वो फैल रहा था, स्प्रेड कर रहा था। द मैन नेम सेंडर्स, आदमी जिसका नाम क्या था सेंडर्स, जिससे इन्होंने क्या करा था ईयरली टेनेंसी पर जमीन लेकर के रखा हुआ था, वो जो सेंडर्स नाम का आदमी था, सेंडर्स से सेंडर ने कहा एंड एवरीवेयर पीपल वांटेड लैंड फॉर बिल्डिंग, और हर जगह आदमी चाहता था जमीन किस चीज के लिए, बिल्डिंग के लिए, भवन के लिए। अदर ही मस्ट सेल द लैंड आउट फॉर बिल्डिंग, या तो वो जरूर रूप से उसे बेच देना चाहिए या बेच देता बिल्डिंग के लिए जमीन को, और ही मस्ट सेल द लैंड टू देम, या फिर उन्ही लोगों को वो जमीन बेच देता। या तो दे देता जमीन लेकर किसको, बिल्डिंग के लिए क्योंकि टाउन अब स्प्रेड कर रहा था, फैल रहा था, या फिर बोला कि अभी लोग ले लीजिए जमीन को, खरीद लीजिए। दे फेल्ट, वे लोग महसूस किए लॉस्ट एंड डिस्ट्रैक्टेड, बिल्कुल खोया खोया सा, एंड डिस्ट्रैक्टेड मतलब विचलित होता है। दे हैड लिव्ड अ वैक्यू ट्रस्टिंग लाइफ विदाउट सिस्टम, वे लोग जी चुके थे अ वैक्यू अस्पष्ट, वैक्यू का मतलब होता है अस्पष्ट, ट्रस्टिंग लाइफ विश्वास से भरा हुआ जीवन, विदाउट सिस्टम बिना किसी सिस्टम का, विद अ सिंपल माइंडेड सन टू रियर, एक साधारण दिमाग का बेटा उसे रेयर करने में, पालन पोषण करने में, ऐसे जीवन को वे लोग जी चुके थे। विद एन इनडेफिनिट फेथ इन गॉड, जिसका अनंत विश्वास था किस में, भगवान में, बट विद लिटल और नॉट और नो फेथ, लेकिन थोड़ा सा भी विश्वास नहीं था किस चीज में, इन फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स में इन लोगों का विश्वास नहीं था। एज अ रिजल्ट दे हैड नथिंग, और परिणाम स्वरूप यह हुआ कि उन लोगों के पास कुछ नहीं था, मतलब बेंजी के माता पिता के पास कुछ नहीं था, क्योंकि इन लोगों का ईश्वर में ज्यादा विश्वास था और ये लोग कुछ काम तो करते नहीं थे, तो इन लोगों के पास कुछ था भी नहीं। अब इवन द अर्थ, यहां तक कि वो धरती जो था, भूमि जो था, विच दे हैड रिगार्डेड एज इनवायलेट, जिसे वे लोग इनवायलेट समझ चुका था। इनवायलेट का मतलब क्या समझ में आता है, अखंड, जो अनचेंजिएबल हो, मतलब जो कभी बदलने वाली चीजें नहीं हो, इसे लगता था कि ये भूमि तो इन्हीं लोगों का है, वो भी अब क्या था, वॉज नॉट देयर्स, अब उन लोगों का नहीं था। एंड वॉज अबाउट टू बी टेकन अवे फ्रॉम देम, अब वे जमीन भी उन लोगों से बहुत दूर जाने वाला था। 27 पैराग्राफ है, डीपली एंड पेनफुली, गहराई से और दर्द से भरा हुआ, वे लोग अपसेट थे, मतलब बिंजी के माता पिता। दे वेंट टू द मैन नेम्ड सेंडर्स, वे लोग गए किसके पास, उस सेंडर्स नामक आदमी के पास, एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज, और बताया उसे अब कैसे होगा। पैराग्राफ 28, आई डोंट सी नो वे ऑफ गेटिंग द मनी, मेरे पास कोई तरीका नहीं है गेटिंग द मनी, रुपये पाने का, बेंजी फादर से, बेंजी के पिताजी ने कहा, सो वी मस्ट गेट आउट एट माइकल मैस, इसलिए हम लोगों को जरूर चला जाना चाहिए, गेट आउट एट माइकल मैस पर चला जाना चाहिए, मतलब जहां पे जाकर के पूजा पाठ करना चाहिए, अब घर को छोड़ देना चाहिए, वहां से निकल जाना चाहिए जहां पे क्रिश्चियन लोग चले जाते हैं, माइकल मैस, दैट्स ऑल, बस बहुत हुआ। पर अब 29, डोंट यू वरी, चिंता मत करो, ये जो बात बोले ना बेंजी के माता पिता की, हम लोग तो माइकल मैस पे चले जाएंगे क्योंकि हम लोग के पास कोई वे तो हम लोग देख ही नहीं रहे पैसा पाने का, तो उसने बोला कौन, ये सेंडर्स बोला, डोंट यू वरी, चिंता तुम मत करो, आप लोग चिंता मत करो, सेंडर्स ने कहा, डोंट सरप्राइज मी, मुझे आश्चर्यचकित मत कीजिए, यू कांट सी योर वे टू डू इट, आप जो रास्ता नहीं देख रहे हैं किस चीज को, टू डू इट इसे करने का, बट आई कैन टेल यू, लेकिन मैं आपसे ये कह सकता हूं, दिस ये कह सकता हूं, इफ यू कांट बाय इट, यदि आप यह नहीं खरीद सकते हैं जमीन को, यदि आप नहीं खरीद सकते हैं, somebody not far away will, तो कोई आपसे दूर का आदमी जमीन नहीं खरीदेगा। इट मीन्स ये हुआ कि जब बेंजी के माता पिता वहां पर गए और बोले मेरे पास तो कोई वे नहीं है, रुपया मैं कैसे कहां से लाऊं, तो इस पर सेंडर्स नामक आदमी बोला कि यदि आप जमीन नहीं खरीदेंगे तो आपसे कोई दूर का आदमी जमीन खरीदने वाला नहीं है। नेक्स्ट पार्ट अब में वही होगा कि बेंजी इस जमीन को खरीदने वाला था, है ना, तो देखते हैं कल की क्लास में यही से पार्ट 36 से देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।